चलिए आज बनाते हैं आम की दो ऐसी रेसिपीज जो सबसे ज्यादा बनती हैं, सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं और एवरग्रीन हैं। मैंगो शेक और मैंगो लस्सी। बचपन से पीते आ रहे हैं मैंगो शेक और मैंगो लस्सी। तो चलिए आज बनाते हैं इन दो सिंपल, सुपर सिंपल रेसिपीज को, बट सुपर डिलीशियस। कितनी टेस्टी होती है इसका तो कोई जवाब भी नहीं है। तो चलिए आज शुरू करते हैं मैंगो लस्सी और मैंगो मिल्क शेक बनाना। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मल्ट इन माउथ। आपका स्वागत है। मैंगो लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का आम का पल्प लिया है, जो लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम के अराउंड है। ये हाफ कप दूध है, एक कप दही है, ये थोड़ा सा सब्जा सीड है जिसमें मैं पानी डाल दूँ, इसको सोक कर दूँ। सब्जा सीड को सोक होने में बहुत टाइम नहीं लगता है और इट्स वेरी हेल्दी। सो आप डाइट में, शेक में, लस्सी में, किसी में भी आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ 1/4 कप मैंने चीनी ली है और ये थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है। चलिए बनाते हैं मैंगो की लस्सी। मैंगो लस्सी बनाने के लिए देखिए, ये हमने अपना जार लिया, इसमें सबसे पहले ये हमने मैंगो के पीसेस डाल दिए। एक कप हमने इसमें दही डाला, 1/4 कप चीनी। आम हमारा मीठा नहीं है इसलिए मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ 1/4 कप। अगर आपका आम काफ़ी मीठा है तो आप चीनी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हाफ कप दूध और ये थोड़ी सी पिसी इलायची, साथ में डालेंगे हम थोड़े से आइस क्यूब्स। बिना आइस क्यूब के ठंडी ठंडी लस्सी कैसे बनेगी। चलिए बनाते हैं लस्सी। लीजिए, बन गई हमारी मैंगो लस्सी। जितनी देर में हमने लस्सी बनाई, देखिए हमारा सब्जा सीड भी सोक हो गया। बस 5 से 7 मिनट बहुत है इसे सोक करने के लिए। चलिए इसे सर्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ग्लास की बेस पे अपना ये सब्जा सीड डाल दें, फिर हम इसके ऊपर कुछ आइस क्यूब और आखिर में नी लस्सी। एकदम थिक, क्रीमी, सी वाओ। इसे ऊपर से टॉप करिए थोड़े से और मैंगोस के साथ। ये लीजिए, बन गई हमारी ठंडी ठंडी सी मैंगो लस्सी। मैंगो शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये एक मीडियम साइज के मैंगो का पल्प लेंगे, 1/2 कप हम इसमें फ्रेश क्रीम लेंगे, 1/4 कप चीनी, ये 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। आप वनीला एसेंस की जगह इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। थोड़े से आइस क्यूब और 1 कप हम इसमें दूध डालेंगे। बस अब इसे बंद करें और अच्छे से हम इसे ग्राइंड कर लें। ये लीजिए, बन गया हमारा मैंगो शेक। इसे सर्व करने के लिए हमने एक ग्लास लिया, आइस क्यूब डालिए। ये बन गया हमारा मिल्क शेक। में डालिए थोड़े से मैंगो के क्यूब्स। हमारा मैंगो शेक तैयार है, इसे ठंडा ठंडा एंजॉय करिए। तो आपको हमारी ये दोनों मैंगो शेक और मैंगो लस्सी की रेसिपी कैसी लगी, कितना यम्मी दिखता है ना, पी के देखते हैं। गुड। और ये लस्सी को, मैंगो लस्सी बनाने में मैंने सब्जा सीड का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो
चिया सीड का भी कर सकते हैं, और आपको अगर ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बट मुझे दही के साथ चिया सीड या सब्जा सीड का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाहे लस्सी बनाऊँ, मट्ठा बनाऊँ, चाहे ऐसे मैंगो लस्सी बनाऊँ, तो उसमें मैं चिया सीड या सब्जा सीड का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। बहुत थिक है, बहुत यमी है। तो आपको ये दोनों रेसिपी कैसी लगी? बहुत सिंपल था इन्हें बनाना, और ये तो एवरग्रीन रेसिपी है। गर्मियों के सीजन में, आम के सीजन में हमेशा इसे बनाइए और हमेशा इसे पीजिए। तो नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और हमें सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। बेल आइकन आप नहीं दबाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी नेक्स्ट रेसिपी कब आई, और आप उसे देखना मिस कर सकते हैं। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।